बैकलिंक्स के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, क्योंकि रोज मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूं। डू सब्सक्राइब टू डेली ट्यूटोरियल्स एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर द वीडियो अपलोडेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं डेली ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैकलिंक्स होते क्या हैं, ठीक है, और डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स का जो डिफरेंस है वो बहुत से लोगों को नहीं पता था, तो आज के वीडियो में हम उसके बारे में करने लगे हैं बात। तो जी, जो डू फॉलो बैकलिंक्स होते हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो डू फॉलो हैं वो फॉलो होते हैं, जो नो फॉलो हैं वो फॉलो नहीं होते। अब आप मुझे कहेंगे यार ये क्या आपने बता दिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया है, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता आपके साथ। उसकी वजह यह है कि उसके जो डू फॉलो नो फॉलो इसमें इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि उसको फॉलो किया जाता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। मसला यह है कि भाई कौन फॉलो करता है और कौन फॉलो नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि गूगल जो है वो कमांड चेक करता है कि अगर उस पर डू फॉलो का टैग लगा हुआ है तो गूगल क्रॉलर जब भी आता है तो उसको फॉलो करता है, यानी कि गूगल उस लिंक पर जाता है, उस लिंक को क्लिक करता है, रीड करता है कि उसके अंदर क्या है। तो वो अगर कंटेंट की वैल्यू अच्छी है तो आपके कंटेंट की वैल्यू को भी अच्छा जो है कंसीडर करता है। तो अगर आपने कोई भी लिंक यूज़ किया हुआ है और उसके साथ नो फॉलो टैग है तो गूगल क्रॉलर जब भी आता है तो गूगल क्रॉलर उस लिंक को कर देता है इग्नोर, क्योंकि गूगल ये समझता है कि वो लिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपने गूगल को भी उसके लिए कर दिया नो फॉलो। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसे लिंक्स यूज़ करें जो कि आपकी वेबसाइट को दे फायदा, तो आप उसके साथ टैग यूज़ कर सकते हैं डू फॉलो का। अगर वो वेबसाइट आपको फ़ायदा नहीं दे रही तो आप उसके साथ नो फॉलो का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप उसको डू फॉलो और नो फॉलो जो है वो कंसीडर करवा सकते हैं। तो जी, जो पहली चीज़ है जिसमें आप उसको डू फॉलो और नो फॉलो कंसीडर करवा सकते हैं वो और कुछ भी नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ है, वो ये कि आपने जब भी करना है ना, यानी कि जब भी आपने अपना कंटेंट लिखना है या आपने कोई भी लिंक बनाना है तो आपने उसके साथ मेंशन ये ज़रूर करना है कि वो डू फॉलो है या नो फॉलो। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि भाई जब अगर तो वो स्पैमी लिंक है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि वो आपकी वेबसाइट से आपके आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको कोई वैल्यू ही नहीं देना चाहते, तो आप उसको कर देते हैं नो फॉलो। तो क्या करता है गूगल भी, जब भी आता है तो गूगल आपके उस लिंक पर क्लिक करता है तो गूगल भी उसको कंसिडर करता है कि भाई ये नो फॉलो, और गूगल उस पर छोड़ के चला जाता है। तो अगर आपने उसको वैल्यू देनी, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को भी उस लिंक से वैल्यू मिले, तो आपने उसके साथ टैग यूज़ कर देना है डू फॉलो का। तो इतना नहीं, वो रैली REL इज इक्वल टू ब्रेक कोमास में, डबल कोमास में आता है डू फॉलो नो फॉलो, तो वो आप इजीली गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इसके लिए टैग कौन सा यूज़ होते हैं। तो बस बात इतनी है कि आपके सिर्फ उन्हीं लिंक्स की वैल्यू होती है जो कि डू फॉलो होते हैं, और जो नो फॉलो होते हैं उनकी तो वैल्यू आप खुद ही ख़त्म कर देते हैं, और डू फॉलो में से भी उसी की मिलती है जिसके जो कि अच्छा हो लिंक और उसकी आपको मिल जाती है, अदरवाइज जो कि बुरे लिंक्स हो आपको उनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आइडिया कि आज की वीडियो थोड़ी सी ना अजीब तरीके से बन रही है, बस उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी तो मैंने सोचा कि आज ऐसे ही वीडियो बना दीजिए। तो जी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बैकलिंक्स के बारे में अगर आपको और जानना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो ऊपर जो है लिंक में आ रही होगी। तो जी, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।